भाइयों जय गो माता जय गोपाल। तो भाइयों हम आए हैं उत्तर गुजरात बनासकांठा जिला और कांकरे तहसील, गांव का नाम है शिरवाड़ा। हमारे राधनपुर के आबियाड़ा गांव के 3 से 4 यहां पर डेरा है और दुनिया की सबसे खूबसूरत यहां पर गोवंश है भाई। आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे भाई, ऐसी यहां पर खूबसूरत रूपवान यहां पर कांकरे गोवंश है। और सभी भारतवासियों के लिए हमने हमारा जो कांकरेज गौ माता है उसका सबसे उत्तम A2 मिल्क जो पूरे दिन ये जंगलों में चरती है, पूरे दिन जड़ी बूटियां खाती है और दुनिया की सबसे मजबूत ये कांकरेज गौ माता का दूध का हम घी बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। भारत के सभी क्षेत्र में ये कांकरेज गायों का दूध से बना हुआ घी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा खुद का व्हाट्सएप नंबर है और वहां पर आप मैसेज करें और हमारे से संपर्क करें। ये आप गौवंश की खूबसूरती देखो भाई, ये खूबसूरती आपने आपकी लाइफ में देखी नहीं होगी भाई। तो गोपालक से मिलते हैं और ये सभी कांकरेज गौ माता एवं जो उच्च क्वालिटी के यहाँ पर बुल है उसका पूरा अपन दर्शन करवाते हैं। तो वीडियो को आप जरा सा स्किप मत करें। तो यहाँ पर देखो भाई, ये वडियार जो राजमपुर जो कांकरेज गायों का सबसे फेमस एक क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ से कुछ हमारे रबारी भाई एवं भरवाड़ भाई साथ में गाय चरवाते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा हम इनका परिचय ले लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? वासु भाई। वासु भाई, ये सभी आपके भाई है? हाँ। ये आप आपका गांव का नाम कौन सा है? अभियाना। 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 और अभियाना में टोटल कितने गोवंश है कांकरेज? 1000-2000। 1000 से 2000 गोवंश अभियाना में। तो भाइयों मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभियाना नावियाणी कैयारी जो कांकरेज गायों के सबसे फेमस गाय ये गांव है, जहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत उत्तम क्वालिटी की वहां पर कांकरेज गौ माता है यहाँ पर प्राप्त और वहां पर देखी जाती है। तो भाइयों यहाँ पर देखो भाई, ये खींचो खींच कांकरेज गौ माता से भरा हुआ पूरा ये खेत। और यहाँ पर ये हम वीडियो में यहाँ की जो खूबसूरत कांकरेज गौ माता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों वैसे तो अपन यहाँ पर जो 15 से 20 मिनट की वीडियो ये बनाएंगे और आपको ये लगता होगा कि कांकरेज गौ माता अच्छी है, लेकिन ये कांकरेज गौ माता बनाने के लिए भाई काफी समय लगता है और ये गायों को रखना, गायों को चरवाना पूरा जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। तो भाई साहब आपका नाम मासू भाई है? मासू भाई। और टोटल कितनी गोवंश है यहाँ पर? 200 गोवंश। अच्छा, और दुधारू गौ माता कितनी है? सारा 60 मुख्य है। अच्छा, वो कितने गाय जो फिलहाल दूध दे रही है वो कितनी गाय होगी यहाँ पर? 50 गाय दूध दे रही है। और यहाँ पर आप ये कांकरेज तहसील में कितने समय से है? यहाँ से तो बालपन से है। अच्छा, तो यहाँ पर रहते हैं? ना, यहाँ शिरवाड़े में रहते हैं। अच्छा, शिरवाड़े में कितने समय से रहते हैं? 10 साल थे, 10-15 साल हो गए। अच्छा, तो भाई यहाँ पर देखो भाई, ये शुरुआत में हम एक आपको खूबसूरत बुल दिखाना चाहते हैं। बुल कहाँ गया? ये क्या रहा पहले ये बुल थोड़ा हम दर्शन करवाना चाहते हैं। रोजियो। ये रोजिया। रोजिया थालिया का रोजिया बुल है जी। जी देखो भाई खूबसूरती देखो जी, जी। एकदम छोटा फेस कट और किंग देखो भाई, बड़े चौड़े तगड़े भाई। उम्र कितनी हुई उसकी? 2 वर्ष का बुल है भाई। और सबसे प्लस पॉइंट यही है मुंह एकदम छोटा है और कान बहुत बढ़िया है और बॉडी एकदम कम्पैक्ट है। उसका खूबसूरती कान में है भाई। एक और भी बुल दिखाते हैं, सिंह है वो मुंह के अंदर रूप अच्छा है, लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है कान बहुत गजब का भाई और कम्पैक्ट बॉडी, टेस्टिकल पिपरशियल पार्ट भाई गजब का है। तो ये भाई किसका बेटा है? डालिया का। डालिया का। डालिया। हाँ डालिया, कारा डालिया जे जय शोभाषण का है, पारेवा का। अच्छा, तो ये व्हाइट डालिया का है ना? ब्लैक 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 डालिया का है। ब्लैक डालियो ये पारेवा जो सेम रहो। अच्छा उसका है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खूबसूरत है भाई, अनमोल है अनमोल है। आपको एक मैन यही ध्यान रखना है, आपको कांकरेज गौ माता अच्छी बनानी है तो उसके अंदर एक अच्छा रूपवान दूध वाला बुल आपको छोड़ना होगा। तो एक ही बेहतर में यानी कि एक ही बेहतर में वो बच्चा प्रॉपर बुल पे चला जाता है आने वाला बच्चा। और एक चलो भाई आगे जाते हैं, एक और बहुत ही गजब का बुल दिखाना चाहते हैं भाई, जो आपने आपकी लाइफ में कहीं देखा नहीं होगा भाई। शुरुआत में आपने जो हमारे गोपालक भाई है वो सभी भाइयों ने पारेवा देखा होगा, पूरी की पूरी पारेवा की कार्बन कॉपी है भाई।
बहुत ही गजब का भाई, बहुत ही गजब का भाई। चरी देखो भाई ऐसे ऐसे ये कांकरे घुमा देखो भाई, ये भाई ये दोरा डालिया का, ये पारेवा का डालिया। हाँ पारेवा का डालिया, डालिया का ये चौरिया। अच्छा उसका नाम चौरिया है। हाँ देखो भाई सेम डालिया, खूबसूरती देखो भाई, खूबसूरती देखो भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो डालिया तो व्हाइट कलर का था ना। हाँ तो इस हिसाब से ये व्हाइट कलर पे चला गया। हाँ अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये चरती हुई कांकरेज गायों का भाई वीडियो लेना मुश्किल है आपको, आप ऐसे सोचते होगा भाई दिलीप भाई ने वीडियो अच्छी बनाई। कांकरेज गायों की वीडियो बनाने में कितनी मुश्किलें होती है, जो कांकरेज गायों का वीडियो जो खेत में चरने वाली गायों का जो वीडियो बनाते हैं उसी को पता होता है कि ये कितनी मुश्किलें झेलते हैं तभी एक अच्छी वीडियो बन पाती है। देखो भाई अब देखो, अब देखो भाई क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। देखो भाई ये जो पारेवा जो उसकी जो प्रॉपर कार्बन कॉपी देखो भाई, सेम डालिया को, सिंग एकदम मोटे तगड़े और मो एकदम छोटा और सिंग मोटे होकर आगे की ओर झुकाव ले रहा है भाई। देखो भाई चरी, और यहाँ पर देखो भाई ये कांकरेज गायों की खूबसूरती देखो, जो कांकरेज गायों में जो सबसे फेमस मानी जाती है हमारे रबारी भाई जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कांकरेज जो ब्लैक कलर के काले कलर के, उसमें काला भी आ सकता है और काबरा कलर भी आ सकता है, तो ये भी देख सकते हैं आप और यहाँ पर भी देख सकते हैं एकदम फेस कट देखो भाई एकदम छोटा और हरचंद्राकार आगे की ओर जाते हुए, तो ऐसी तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी घूमाता है भाई। तो भाइयों वैसे आपको पता ही है कि कांकरेज गायों को पालना कठिनाइयों से भरा हुआ काम है भाई, जैसे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र हर जगह पर आप जाते हैं तभी ऐसी कांकरेज गौमाता है आप बचा पाते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, ये खूबसूरती देखो भाई खूबसूरती देखो, जो कांकरेज गाय प्योर कांकरेज गाय किसे कहा जाता है इसे कहा जाता है। देखो भाई एकदम मुंह भाई ऐसे उंगली करो आप, मुंह देखो भाई एकदम बस सीमित है भाई, उसकी मुंडी नाक बीचों बीच बैठा हुआ है, उसका जो रूप देखो भाई उसका रूप पूरा का पूरा मुंह पे है भाई देखो भाई, और इसका और थोड़ा मजबूती से मोटा सींग होता तो और खूबसूरती उसकी नजर आती, लेकिन खूबसूरती तो भाई अनमोल है, अनमोल है, ऐसे सींग होता तो वो और खूबसूरत लगती, और खूबसूरत लगती। तो भाई जो ये जैसे हमने बुल का इस्तेमाल किया जैसे हमने नंदी का इस्तेमाल किया इस प्रकार ये कांकरेज गौ माताएं बनती है, तो यहाँ पर दृश्यमान हर तरह की सभी कांकरेज गौ माताएं अच्छी है। तो भाई साहब हमें बताओ सबसे अधिक अपनी गायों में कितना दूध है, यानी कि एक गाय सबसे ज्यादा कितना दूध देती है? 8 लीटर, 8 लीटर, 7 से 8 लीटर, 7 से 8 लीटर भाई ये कांकरेज गौ माताएं यहाँ पर दूध देती है। और आपको पता है कि यहाँ पर 200 गाय पालना मुश्किल होता है भाई, ऐसे खेतों में चरवाना होता है जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, जो हमारे खेतों में फसलें लगती हैं और फसलें लेने के बाद कुछ ऐसे यहाँ पर जो चारा मिल जाता है ऐसे ही एक कांकरेज गौ माताएं चरती है, वो भी भाई 5-5, 6-7, 8-8 लीटर दूध देती है तो कम नहीं है भाई, और दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कांकरेज गौ माता है भाई, हर तरह की यहाँ पर जड़ी बूटियां खाती है, हमारे गोपालक भाई के अंदर जो कमियां रहती है ये जड़ी बूटियां खाती है, इतनी तो यहाँ पर समझदार है भाई, सब वनस्पति खाती है। देखो भाई ये सभी गौ माता देखो भाई खूबसूरती अनमोल है। ये आपने ये गायों के गले में घंटा बांधा? हाँ ये चंग बांधा। अच्छा ये घंटा क्यों बांधे, ये रीजन? ये रीजन ये सब गाय है हम जॉइंट में चढ़ती। अच्छा यानी कि जब ये बजता है और गाय सुनती है कोई तो, अलग पड़ी जाए तो भी इसको सुन के आवाज के आ जाती है। तो ये सब झुंड में रहने का एक एलर्ट होता है, एक अलार्म बजता है कि भाई ये गाय यहाँ पर चढ़ रही है। देखो भाई ये खूबसूरती देखो भाई, क्या बात है, क्या बात है। ये भाई का नाम क्या है? क्या जेठा भाई, जेठा भाई, जेठा भाई, वाह वाह जेठा भाई वाह, हमारे भरवाड़ों की जो पहरवेश वेशभूषा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, देखो भाई ये पूरा का पूरा भाई अनमोल कांकरेज गौ माता है भाई, देखो बहुत बढ़िया। कोई भी भाई यहाँ से आप कोई कांकरेज गाय सेल करते हैं क्या, कोई बेचते हैं? नहीं बेचते। कोई बेचने का कोई इरादा हो तो बताओ, तो आपको कीमत भी मिल जाएगी? हाँ ये तो
पास आवे तो हमें देखते हैं। अच्छा नहीं तो बेचता है तो कोई अलग से अपन वीडियो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो भाई साहब ये गाय कहाँ से आई है, ये वाली? ए, लाल भाई कुंजा। ये काले वाली? हाँ। लाल भाई कुंजा से लाई है क्या? हाँ। ला, देखो भाई खूबसूरत एनिमल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक ये ऐसी गाय है जो विपरीत परिस्थिति में गर्मी ठंडी बारिश और ये सूखे प्रभावित क्षेत्र में भी अच्छी तरह से ये एडजस्ट कर लेती है। वो कम चारे में भी ये अपना पेट भर के ये हमारे गोपाल भाई को दूध प्रोवाइड करती है। भाई ये सभी गाँव इसकी आप खूबसूरती देखो भाई, अभी छोटे हैं लेकिन खूबसूरती भाई अनमोल है। देखो क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोटे छोटे काफी भी है भाई, अलग अलग हम छोटे छोटे अलग से वीडियो भी लेंगे, बहुत वीडियो लेंगे भाई। यहाँ पर ये पूरी वीडियो बनाने जाएंगे और अलग से पूरी वीडियो अपने यहाँ कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है भाई। तो भाई साहब ये आपने 50 गाय दूध दे रही है फिलहाल? हाँ। तो दूध कितना होता है 50 गायों का अंदाजी आपके हिसाब से बताना, सभी गायों का कितना होता होगा? 150-200 लीटर होगा। पूरे दिन का? पूरे दिन का, पूरे दिन का 150-200। अच्छा और ये दूध पूरा आप ये सिरवाड़ा के मंडी में देता? हाँ, सिरवाड़ा मंडी। क्या फैटाते हैं? चार पाँच। एक लीटर पे क्या मूल्य मिलता होगा? एक लीटर पे भाव माथे जाए के 40-45 रुपये पड़े। 40 रुपये लीटर। अच्छा 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 बहुत बढ़िया। और आप ये घर पर जाकर ये दाना चारा कितना खिलाते होगे, एक गाय को कितना देते होगे, कोई खान पान देते है जो? 3 किलो देते। 2-3 किलो क्या खिलाते हैं उसमें आप? सागर दाना। ये अपना बनास डेरी का? बनास डेरी का, बस यही खिलाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये अपना जो ये हाईवे पे बैठा है ना? हाईवे रास्ते पे दिख रहा है, वहाँ पर ही बैठा है। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर आप कितने समय से ये शिरवाड़ा में? 10 साल से हो गए। 10 साल से यहाँ पर ही है? हाँ। अच्छा और ये गायों को चारा बारा मिल जाता है क्या? हाँ चारा मिल जाता है। अच्छा। हमारा जो का गाँव है, चारा मिल जाता है गायों। अच्छा और ऐसा कोई समय हुआ कि आप खेत में गायों के लिए चरने के लिए ना बच्चा हो? ना ना बाहर से ऐसा कोई दिन नहीं। अच्छा तो मिल ही जाता है? मिल ही जाता है। अच्छा अच्छा तो वैसे तो आप ब्राह्मणों के गांव में बैठ रहे हैं? ब्राह्मणों का गांव है। तो कोई आपको दिक्कत होती नहीं होगी? और भाइयों मैं खुद ये सिरवाड़ा गाँव में शादी की हुई है, यानी कि मेरा ससुराल ये गाँव है। देखो भाई ये गाँव माता की खूबसूरती देखो भाई। और यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे छोटे छोटे बछड़े हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखो भाई गायें सभी ऐसी है कि आप अपने घर पर बांध के रखते हैं भाई, और लाखों रुपए का आपने मकान बनाया हुआ हो लेकिन आपके घर पर गाय पे डायरेक्ट उसके ऊपर ही नजर जाएगी। इसका नाम क्या है भैया? रोजी। रोजी रोजी है भाई, रोजी। वाह 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 सुंदर दान मोल है। देखो भाई बहुत बढ़िया सुंदर दान मोल है। ये शुरुआत से इस तरह पलती है भाई, ये इतनी इतनी उम्र में 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर चलती है, पूरे दिन चलती है, अपना पेट भरती है, तभी तो ये कांकरेज गाय स्ट्रॉन्ग कही जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग गाय होती है तो उसका दूध भी स्ट्रॉन्ग होता है, और दूध से बनी हुई हर चीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है भाई। ऐसा छोटा मुंह है बहुत ज्यादा बढ़िया। ये बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया सबसे ज्यादा। हाँ ये ऐसे ऐसे गायों में अपन ब्रीडिंग करते हैं ना तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। ये भी बोल बढ़िया है भाई। चका, ये किसका बेटा है? ये पारेवा का बेटा है। ये डायरेक्ट पारेवा का है? हाँ। अच्छा क्या बात है, पारेवा का बेटा। तो ये कैसे आया आपके पास? आप लाल भाई जोड़े से लाया, लाल भाई कुंजाट। लाला भाई कुंजाट से लाया था? हाँ। तो कितने में कोई खरीदी गई थी? पैसा खरीदी नहीं करी, पाईबंदी में आप ही था, फ्री में दिया था। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या ये कोई ये एफएनडी हुआ क्या, ये खुरपा का हुआ है क्या? ना खरवा मोह हुआ है पैरों में? हाँ खरवा हुआ है तारे प्रेम में। अच्छा अभी ये एफएनडी के भाई, अभी ये कांकरेज गांव में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर ये लहर ऐसी हवा 10-15 दिन ऐसे लंगड़ापन चलती है और अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो देखो भाई यहाँ पर ये कांकरेज गांव माता ये रोजिया की बेटी है, पारेवा का रोजिया।
पारेवा का रोजिया, डायरेक्ट रोजिया की है? हाँ रोजिया की। अच्छा देखो भाई ये डायरेक्ट रोजिया की, ये रोजिया का रिजल्ट है। वाह ऐसा कलर होता है ना, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा और इसके सिंग कैसे आएगी, बड़े आएंगे या पतले? और नाना बड़ा आएगा। अच्छा, और इसका सिंग तो, बड़ा है नहीं है ना? ना अजी नहीं बनाया, अब तो बनेगा ना, एक साल की होगी अब। ये कितने आप दो बरस के अंदर बनाते ना सिंग इसका? दो बरस। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह भाई वाह वाह। देखो भाई खूबसूरती अनमोल है भाई, ज्यादा ही। किसकी है? शोकिया। हाँ सांड से भरत भाई को जोड़े। अच्छा 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 बहुत बढ़िया से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये डालिया का बच्चा, ये डालिया का है? हाँ कई आरी में आता डालिया, कई आरी में डालिया। और ये डालिया का डायरेक्ट है? हाँ। अच्छा अच्छा थोड़ा मूल लंबाई में चला गया। हाँ ये तो माँ सो माँ है नहीं, माँ पे थोड़ा गया, उसके डोमिनेट माँ हुई है। अच्छा माँ के माँ के खेंच ली ज्यादा चला गया। अच्छा बहुत बढ़िया, देखो भाई देख लिया की बहुत बढ़िया, देखो खूबसूरती सभी में बहुत बढ़िया, देखो वाह बहुत बढ़िया, डाल 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 वाह, अनमोल अनमोल, वाह 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 वाह। ये स्वभाव कैसा है इसका? ये साव सोजी, शांत स्वभाव। शांत हाव, वाह शांत स्वभाव में। ये कारी बछड़ी है थे, उसकी माँ है। अच्छा ये रोज जिया गिरी के कारी? हाँ उसकी माँ है। अच्छा उसकी क्या दुश्मता है इसकी, कितना दूध देती है ये? ये 5 लीटर, 5 लीटर दे रही है। अच्छा बहुत बढ़िया, दिन में 5-6 बार का 10 लीटर था ये। 5 लीटर तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो भाई जो कि आप जो खा रही है वो आप देखो भाई, देखो ये क्या मिल रहा पा रहा है इसे, बस ऐसे ही अपना पेट भरती है। वो भी 5 लीटर दे रही है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लीटर गाभण है अभी, गाभण है। अच्छा बहुत बढ़िया, 6-7 महीना होगा। अच्छा अभी इसको यहाँ पर भाइयों गोमस बहुत अधिक है और वीडियो अपन ऐसा सिंग होता है ना बहुत ज्यादा पसंद करते। अच्छा मरिया 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 मरिया, ऐसा सिंह सभी को पसंद बहुत आते हैं। सिंगे पात्रा आता है तो वो बहुत बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा ऐसा बढ़िया सिंह चाहिए, ऐसा बढ़िया कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया है, कम बता वचड़ी भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई। सारा दिन आप तो भाई आपको तो हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप इतनी गर्मी में ठंडी बारिश हर तरह की जो वातावरण में आप यहाँ पर रहते हैं और गायों को सरवाते और गायों को बचाते हैं। हाँ। तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए और असली गोपालक तो आप ही है भाई। तो भाई यहाँ पर अपने ये वीडियो का समापन करते हैं, कुछ यहाँ पर कांकरेज गाय ये बिक्री के लिए बताएंगे तो वो गाय अपन आपको दिखाते हैं, कीमत क्या है, दूध क्षमता क्या है, रूप कैसा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। किसी भाई को कांकरेज गौ माता चाहिए तो डायरेक्टली आप हम वीडियो में कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे, तो डायरेक्टली आप बात कीजिएगा। तो भाई साहब धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी गौ माता दिखाई, हमारे सभी देश के जो गोपालक भाई है वो सभी भाइयों की तरफ से मेरा लाख लाख धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।